आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सिद्धार्थनगर जिले में देर शाम एक युवक का शव तैरता मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे आशीष की हत्या ओनर किलिंग के तहत की गई है। खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां धोरी कुआ गांव के पास जमुआर नाले में शुक्रवार की देर शाम 30 वर्षीय युवक का शव पानी में तैरता मिला। मृतक की पहचान जिला मुख्यालय के बेहलिया निवासी आशीष जायसवाल के रूप में हुई है। आशीष के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या ओनर किलिंग के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक आशीष जायसवाल का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमिका के साथ अपनी फोटो सोशल साइट पर डाली थी। आशीष मंगलवार से ही लापता था, जिससे पहले उसने अपना 10 मिनट का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उसने अपनी प्रेमिका के घर वालों द्वारा हत्या की आशंका भी जाहिर की थी। ये मृतक हमारे भतीजा लगते हमारे भाई के लड़के हैं। ये एक अशोक अग्रहरी की लड़की के चक्कर में हो ऐसा हुआ है, और लगता है कि अशोक अग्रहरी ने उसको मरवा के। पूरा घटना चक्र क्या है, कब से ये गायब थे, कहाँ मिले? मंगलवार शाम को 7:30 बजे शाम को घर से निकले दवा लेने चक्कर में, वो नहीं आए। घर के लोग इंतजार किए, 9 बजे तक नहीं आए, तो हुआ कि अभी आधे घंटे बाद आएगा, तब से वो गुम है। थाने पर हम लोग सूचना दिए, पुलिस वालों ने कहा तब तक आप खोज बीन लीजिए, कहीं होगा रिश्तेदारी वगैरह और कहीं होगा, वो नहीं मिला। बताया गया कहाँ मिला लाश? लाश पता चला कि वहाँ पिटनी वाले नाले पे मिला है, उसके पास मोबाइल भी था उसका। जमुआर नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके पास से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान आशीष कुमार जायसवाल बेहलिया के रूप में थी। और परिजनों ने बताया कि जो है कई तारीख से गायब था, और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन अगर कोई तारीख देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आखिरी विधि कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीओ सदर प्रदीप कुमार यादव का कहना है कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से अमर कुमार, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।